ओके लेट्स स्टार्ट विथ योर स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट सी ए फाइनल न्यू सिलेबस आर टी पी सो इस आर टी पी के बारे में मैं क्या कहूँ इंस्टीट्यूट ने कुछ क्वेश्चंस तो यहाँ पे जो पुराने आई सी मैट में थे पुराने मतलब आपके न्यू सिलेबस के वही डाले तो वो वो क्वेश्चंस मैं स्किप कर जाऊँगा ओके okay? और कुछ एकदम ऐसे डाल दिए जो दूर दूर तक इंस्टीट्यूट मैट में नहीं थे तो वो हमें अच्छे से करने ओके? Okay? और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक बार पढ़ेंगे तो कर पाएंगे ओके okay? तो वो भी हमें करने आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है गेन शेयरिंग अरेंजमेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट के साथ पढ़ा देते हैं गेन शेयरिंग अरेंजमेंट क्या होता है सप्लायर के साथ एक टाइअप किया जाता है कि आप हमें आइडियाज ऐसा ऐसा दो जिससे मेरा कॉस्ट सेविंग हो ठीक है अगर मेरा कॉस्ट सेविंग होगा तो उससे जो गेन होगा कॉस्ट सेविंग मतलब गेन वो गेन सप्लायर को शेयर करेंगे सप्लायर से शेयर करेंगे जैसे कि उसमें शेयरिंग का कोई प्लान हो सकता है कि पहला ईयर में सारा आपका दूसरा ईयर में सिक्सटी आपका फोर्टी मेरा थर्ड ईयर में सब मेरा समझ तो इसमें क्या हो रहा है सप्लायर एक तरह से स्टेक होल्डर बन गया आपका स्टेक होल्डर क्या समझ लीजिए स्टॉक होल्डर ही बन गया इनडायरेक्टली वो एक रिस्क ले रहा है सप्लायर एक रिस्क ले रहा है कि मैं अपना रेमोनरेशन अभी नहीं लेकर आपसे अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से आप, आपको बेनिफिट करा के रेमोनोरेशन लूंगा एक तरह से आपके लिए फायदा हुआ ना फर्स्ट ईयर में सारा गेन अगर वही ले गया अगर तो भी ठीक है ना आपको तो इंस्टेंट कुछ नहीं देना पड़ा उसको सेकेंड ईयर में वो सिक्सटी परसेंट भी ले गया तो भी क्या हुआ वो तो अब कमा आपके घर में आया आपका रुपया बचाया उसमें से कमाई ले गया आपको तो अलग से चला के कुछ नहीं देना पड़ा आपका गेन आपका नहीं हुआ बट थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स तो सब आपका ही हो गया सप्लायर के लिए रिस्क ज्यादा है अब ये मॉडल को वर्क कराने के लिए क्या करना पड़ता है सोचो सप्लायर और आपको बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन में काम करना होगा खाली ये काम सप्लायर का ही नहीं होना चाहिए कि गेन आपका लाना है दोनों को मिलकर काम करना है तब एक्चुअली इसका फायदा है ट्रांसपेरेंसी रखना है डिफाइन करना है कि कैसे गेन मेजर करोगे अगर डिफाइन नहीं करोगे तो लास्ट में गेन कैलकुलेट कैसे होगा फाइनेंशियल गेन है कि नॉन फाइनेंशियल गेन है उसको पूरा डिफाइन करना होगा उसका वर्थ निकालना होगा जिससे कि उसका रेमुनरेशन उससे जुड़ा हुआ है ना सप्लायर का ओके okay? इसके लिए इसलिए बोलते हैं कि जब जब गेन शेयरिंग अरेंजमेंट हो रहा हो तो आप अपने यहां पे एक अलग टीम को लगा दो जो सप्लायर के साथ कोऑर्डिनेट करता रहेगा और वो टीम भी इनोवेटिवली सोचेगा कि आपके यहाँ गेन कैसे आ सकता है इट इज अ एफर्ट इट कैन नॉट बी जस्ट एन एफर्ट ऑफ द सप्लायर तो ऐसा एक दरेंजमेंट का एग्जाम्पल हम लोग अपने क्लास में पढ़े थे एयरपोर्ट को लेकर चियांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो वैसा ही कुछ सेम एग्जाम्पल फिगर चेंज करके एक क्वेश्चन में बना दिया है ठीक है चलिए देखिए राया हेल्थ केयर लिमिटेड इज अडिंग हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर इन मुंबई It has approximately 450 potential beds. It provides diagnostic and daycare special, specialty facilities. Also, in diagnostic centers, they are using traditional devices for CT scan and MRI, which are not enough as per demand. Patients waited more than weeks for CT and MRI scans. This problem can cause delay in diagnostic illness, waste of time and other resources. नॉट जस्ट इन रेडियोलॉजी बट थ्रू आउट द हेल्थ केयर सिस्टम तो वो क्या रहा है यहाँ पर ट्रेडिशनल डिवाइस है पेशेंट का वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा है और इससे क्या हो रहा है इशू डायग्नोसिंग इलनेस में इशू आ जाएगा वेस्ट ऑफ टाइम एंड अदर रिसोर्सेज ओके पूरा सिस्टम को इंपेक्ट कर जाएगा राय हैज प्लान टू आउटसोर्स सिटी स्कैन एंड एम आर आई सर्विस टू लिव लाइफ which has world-class International Chain of Diagnostics Center, LiveLife promised to provide radiologist report within 24 hours. However, finance manager of Raya doubt that it will not be a profitable arrangement. For the satisfaction of Raya, LiveLife has entered in an agreement to provide its services to Raya with no guarantee of receiving payment. Raya agrees to the following conditions. कॉस्ट सेविंग्स जनरेटेड इन द फर्स्ट ईयर विल बी रिटेन बाई लिव लाइफ तो जिससे हम आउटसोर्स करें वही रख लेगा कॉस्ट सेविंग जनरेटेड इन सेकेंड एंड थर्ड ईयर विल बी शेयर्ड बिटवीन राया एंड लिव लाइफ इन द रेशियो थर्टी सेवेंटी लिव लाइफ सेवेंटी परसेंट लेगा हम लोग थर्टी लेंगे कॉस्ट सेविंग जनरेटेड इन फोर्थ ईयर विल बी पास टू राया एनी कॉस्ट सेविंग जनरेटेड बाई एन आइडिया प्रपोज एक्सक्लूसिवली बाय राया

where a supplier agrees to perform its side of contract with no guarantee of receiving payment he will receive payment based upon the benefits receive payment based upon the benefits that emerge to customer as a result of successful completion of supplier side of bargain ठीक है इसे ये bargain करने का बहुत अच्छा तरीका होता है किसी हाई प्रोफाइल कस्टमर के साथ आपको जोड़ना है ना तो आप अपना फीस रखोगे तो होगा नहीं क्या करना होगा उसको बोलना होगा आप मेरे को रखो आपको जो फायदा कराऊंगा वो ही दे देना अच्छा चलो उसका आधा दे देना जैसे आप सी यह प्रैक्टिस करने लग गए अब मैं आपका क्लाइंट बन आप मेरे को पकड़ना चाहते हो क्लाइंट बनाना चाहते हो ठीक है अब मैं आपको चांस ही नहीं दे रहा तो आप क्या बोलोगे अरे सर छोड़िए ना आपसे फीस क्या लेना अगर मैं आपको कुछ फायदा करा के दूंगा तो फायदा दे दीजिएगा बोला अच्छा बेटा पूरा फायदा दे देंगे तुमको बोले नहीं अच्छा चलिए सर उसका आधा ही दे दीजिएगा चलिए उसका दस परसेंट ही दीजिएगा ना मेरा सर्विस लेके तो देखिए तो ये है गेन शेयरिंग अरेंजमेंट तो मेरा कोई रिस्क नहीं है आप भी अपना एक रिस्क ले रहे हो परफॉर्मेंस बेस्ड आप अपना रेमुनरेशन लोगे तो चलो ठीक आउटसोर्स करके देखते हैं सेविंग्स हुआ तो बेनिफिट शेयर करेंगे लिव लाइफ एंड रायाज रायाल्सो एंटर्ड इन टू सच अग्रीमेंट दिस इज क्लियरली अ रिस्की स्टैंड फॉर सप्लायर लिव लाइफ बिकॉज इट कुड स्पेंड अ फॉर्च्यून एंड वॉक अवे विथ नथिंग alternatively if the benefits of raya are substantial live life could find itself rewarded with a large return cost saving might be attained from reducing the cost of supplies implementing new skill and technologies revised delivery time improvement in operations etc जैसे इसमें ऐसा हो सकता है ना live life को अपने आउटसोर्स करें हमारे पास तो सिटी स्कैन और मर्यादा मशीन्स हैं तो live life आके हमारा ऑपरेशंस मैनेज करेगा करें। वो ट्रेनिंग करेगा आदमी का वो सारा कस्टमर्स को डील करेगा उसका ऑलरेडी इतना सारा डायग्नोस्टिक सेंटर है तो वो इजिली इसको भी मैनेज कर लेगा उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है उसको खाली ऑपरेशन देखना है समझ में आ रहा है जैसे एयरपोर्ट कैसे चलता है आपको पता है क्या एयरपोर्ट बना दिया किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बना दिया ठीक है बट एयरपोर्ट चलाता कौन है फिर कहाँ से आदमी घुसेगा कहाँ पे उसको खाना मिलेगा कहाँ पे उसको वेटिंग करना है कहाँ सिक्योरिटी चेक इन होगा कहाँ पे कार्गो आएगा कहाँ पे प्लेन लैंडिंग होगा कहाँ पे ग्राउंड स्टाफ रहेंगे कैसे बैगेज जाएगा कहाँ पे बस सर्विस होगा कहाँ पे टैक्सी सर्विस होगा ये सब कौन प्लान करता है मालूम है ये आउटसोर्स होता है इंडिया में एक कंपनी है जिसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहो जी बहुत बड़ा कंपनी मिस्टर जी राव का नाम से बनाया हुआ है जी अभी उन्होंने अपना स्टेक भी किसी और फॉरेन कंपनी के साथ शेयर किया है बहुत सारा एयरपोर्ट आप देखना इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जीएमआर का आपको ब्रांडिंग दिखेगा दैट दैट मींस एयरपोर्ट इज मेंटेन्ड बाय जीएमआर आउटसोर्स कर दिया तो आउटसोर्स कर दिया तो उससे अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट एयरपोर्ट अथॉरिटी का ही हो रहा है तो वो बेनिफिट शेयर नहीं करेगा अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी आउटसोर्स वाला ही कर रहा है अपना कोई बस लेके आ रहा है अपना इक्विपमेंट्स लेके आ रहा है अपना मशीनरीज लेके आ रहा है अपना लोग को लेके आ रहा है तो फिर जिससे इनकम आ रहा है वो इनकम दोनों शेयर करते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी वाला और जीएमआर शेयर करते हैं इसको गवर्नमेंट ने एक नाम दे रखा है पीपीपी मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल सुने ऐसा नाम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इसको गवर्नमेंट ने नाम दे रखा है यहाँ पे पीपीपी मॉडल नहीं है मैं तो ऐसे जनरल आइडिया के लिए आपको बोला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में क्या होता है गवर्नमेंट बोलता है हम लैंड दे दिया हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके एयरपोर्ट बना दिया अब आगे ऑपरेशन के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना है वो आप करो उससे इनकम जनरेट करो उससे प्रॉफिट जनरेट करो उस प्रॉफिट में मेरा शेयर है और आपका शेयर है कुछ मेरे आइडिया से कंप्लीटली आया मेरे इन्वेस्टमेंट से आया तो मैं रख लूंगा और कुछ आपके तरह से आया तो अरेंजमेंट कैसा है वो आपको देखना पड़ेगा जो भी आपके तरफ से आएगा वो मेरा ही रहेगा अभी अग्रीमेंट जैसे उनको यहां पे उसका पे को कैलकुलेट करेगा ना कि दो साल में तो होगा ही नहीं करेक्ट और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो छोटा पीरियड का अग्रीमेंट करके देखेंगे ओके okay. तो यहां पे क्या बोल रहा है आप देखो गेन क्या है बेनिफिट क्या है बेनिफिट इज दे विल शेयर टुगेदर नॉट नेसेसरीली फाइनेंशियल ऑल्दो फाइनेंशियल बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड टू अकर फ्रीक्वेंटली राया फॉर इंस्टेंस विल नॉट नेसेसरीली टेक कॉस्ट सेविंग्स इन द फॉर्म ऑफ लोअर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बट माइट रिक्वायर अ हायर स्पेसिफिकेशन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट हाउ एवर टू असेस एनी फाइनेंशियल बेनिफिट बोथ पार्टीज हैव टू प्रोवाइड ईच अदर देखिए ट्रांसपेरेंसी नहीं होगा ना फ्लॉप हो जाएगा बोथ पार्टीज शुड प्रोवाइड ईच अदर एक्सेस टू रेलिवेंट कॉस्ट नंबर्स टू डिटरमाइन द बेसिस फॉर द असेसमेंट ऑफ द बेनिफिट एंड कैलकुलेशन एंड शेयरिंग फॉर द बेनिफिट सो ट्रांसपेरेंसी इज रिक्वायर्ड अल्टीमेटली बेनिफिट फाइनेंशियल भी होता है नॉन फाइनेंशियल भी होता है मैंने सब बोला आपको स्टार्टिंग में नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए चैलेंज क्या होगा ना कि वो शेयर कैसे होगा फिर बट फाइनेंशियल में अगर कैलकुलेशन करोगे तो शेयरिंग कर पाओगे ठीक है मेनी कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग दीज अरेजमेंट ग्रेटर ओपननेस एंड शेयर डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट इन द गि केस गेन शेयरिंग डील्स आर ऑन द फेस ऑफ इट अ विन सिचुएशन फॉर बोथ राया एंड लिव लाइफ इंटरेस्ट ऑफ बोथ आर अलाइंड लिव लाइफ इज ट्राइंग टू सेव कॉस्ट ऑफ राया वेल राया ट्राइंग टू गेट वर्ल्ड क्लास सर्विसेज तो राया का पूरा हेल्थ केयर सिस्टम इम्पैक्ट हो जाएगा जैसे हॉस्पिटल्स में होता है ना मान लीजिए सिटी स्कैन सर्विस एम आर सर्विस और हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग डिले कर दे रहे हैं हमारे पास हॉस्पिटल में पेशेंट्स एडमिटेड हैं और उसका सिटी स्कैन का रिपोर्ट आने में टाइम लग रहा है तो फिर हम ट्रीटमेंट कब करेंगे तो इससे तो मेरा पूरा रेपुटेशन बिजनेस सब खराब हो रहा है तो मैं मैनेज नहीं कर पा रहा इसलिए मैं सिटी स्कैन एम सर्विस को किसी और से करवा लेना चाह रहा हूँ जो इस चीज का महारथ ही है ओके और उसके साथ भी अग्रीमेंट जब कर रहे हैं तो वो ऑफर दे रहा है कि चलो पहला साल जितना रुपया आपका बचा मेरा आदमी जाएगा सब मैनेज करेगा तो आपका तो अभी ऑपरेशनल कॉस्ट लगता होगा इसमें तो ऑपरेशनल कॉस्ट जो भी आपका बचा जो बेनिफिट्स आपके पास आए वो सारा पहला साल मेरे को दे देना अगला साल मेरे को सेवेंटी परसेंट दे देना सेकेंड थर्ड ईयर में और फोर्थ ईयर से आपका तो फोर्थ ईयर से फिर लिव लाइफ कैसे चलेगा तो फिर मे बी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा ऐसा कुछ हो सकता है फोर्थ ईयर से तो सब राया रख ले रहे है लिव तो लाइफ अपना कुछ रेमुनरेशन एक फिक्स करेगा अपना कॉस्ट तो मांगेगा पहला दूसरा तीसरा साल में जो कमाया ठीक पर चौथा साल में उसका कमाई नहीं आएगा तो लिव लाइफ कंटिन्यू क्यों करेगा लॉजिकल है ना तो फोर्थ ईयर में हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा और या फिर वो एक कॉस्ट मांगेगा लिव लाइफ कुछ तो होगा ना नहीं तो फोर्थ ईयर बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे हाँ अरे तो लिव लाइफ को रेमुनरेशन क्या मिलेगा लिव लाइफ तो कुछ चार्ज नहीं कर रहा ना आपको यहाँ पर लिव लाइफ क्या बोल रहा है मेरे को रखो आपको जो फायदा होगा वो पहला साल पूरा मेरा नेक्स्ट ये दो ईयर सेवेंटी परसेंट मेरा और नेक्स्ट उसके ईयर से हाँ अगर लिव लाइफ हो सकता है यहाँ पर अपना खर्चा भी ले ही रहा है शुरू से प्लस जो कॉस्ट सेविंग करा रहे हैं ऐसा कुछ अरेंजमेंट भी हो सकता है कि शुरू से लिव लाइफ को एक फिक्स अमाउंट आपको देना ही है ठीक है शुरू से फिक्स अमाउंट भी देना है प्लस वो कॉस्ट सेविंग कराएगा वैसा यहां नहीं लिखा है यहां पे हम लोग क्या समझ रहे हैं जैसे आप लिव लाइफ है मैं राया हूं तो आप मेरे यहां पे आए सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेट है आप अपने आदमी मैन पावर मैनेजमेंट स्किल्स लेकर आए मेरे यहां पर या मेरे ही आदमी को मैंने निकाला नहीं है मेरे ही आदमी को थोड़ा सा सिखाया वगैरह और अपना भी कुछ आदमी ले आए तो उसके कारण प्रोडक्टिविटी बढ़ गई कॉस्ट सेविंग्स हुआ तो वही आपका रेमुनरेशन है पहला ईयर सेकेंड ईयर आप उसका सेवेंटी परसेंट ले लिए बट बात आता है फोर्थ ईयर में फिर आप मेरे साथ क्यों रहे हो सब मैं रख लूंगा तो ऑब्वियसली तो अग्रीमेंट विल बी रिव्यूड फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स की कैसे लिव लाइफ आपसे अटैच रहेगा हो सकता है लिव लाइफ फोर्थ ईयर के बाद ना भी रहे हो सकता है वो एक नॉमिनल अमाउंट लेके रहेगा फिक्स अमाउंट पे आ जाएगा तब गेन शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा तब नॉर्मल हायरिंग सिस्टम होगा गेन शेयरिंग आप पहला चार तीन साल चला रहे हो उसके बाद कोई नॉर्मल अग्रीमेंट बनेगा वो मैं ऐसे अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बोला पहला तीन साल जो अरेंजमेंट हो रहा है वो सब परफेक्ट है ठीक है मैंने एग्जाम्पल में आपको बोला था ना जैसे कोई स्टूडेंट आया मेरे पास एक दिन ओके okay, बोला सर आपसे पढ़ना है, लेकिन मैं फीस नहीं दे सकता बोले कोई बात नहीं तुम जब पढ़ो मेरे से पास हो जाओ तो पहला जो सैलरी लगेगा वो मेरा तो तुरंत बोलता सर फीस कितना आपका मैं फीस दे दूंगा पहला सैलरी कैसे दे दू आपको तो गेन शेयरिंग में देखो सप्लायर रिस्क ले रहा है सप्लायर और सर्विस रिस्क ले रहा है कि मैं अभी तो कुछ नहीं कमा पा रहा बट आपको अगर फायदा होगा तो जो फायदा आपका हुआ वो पहला मेरा वो आप बोलते नहीं ऐसा नहीं हो सकता तो ठीक है भैया मेरा फिक्स दे दो नहीं तो मेरा फीस अभी मत दो पहला सैलरी मेरे को देना होगा ठीक है तो ये सब एक अरेंजमेंट होता है चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू में आते हैं ये एक अगेन एकदम नया क्वेश्चन है आप लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं बहुत ही इरेलीवेंट सा कॉस्टिंग फॉर स्पेसिफिक सेक्टर उसके ऊपर कोई क्वेश्चन भी नहीं था हमारे पास के स्टडी भी नहीं था अभी तक उसमें पावर सेक्टर एग्रीकल्चरल सेक्टर और आईटी सेक्टर तीन सेक्टर के बारे में थोड़ा सा कॉस्टिंग बताया जाता है ओके के स्टडी बुक में सो कॉस्टिंग फॉर स्पेसिफिक सेक्टर में ये एग्रीकल्चरल सेक्टर को लेकर केस खड़ा किया है जिसका आंसर एकदम कॉमन सेंस से लिखना होगा जिसका आंसर का कोई कनेक्शन अपने नोट्स में नहीं है आप समझ लीजिए आपसे कोई ट्रेन में बैठे बैठे कोई समस्या पूछी जा रही है बिना किताब रेफर के आपको समस्या का कोई निदान बताना है ऐसा कुछ हो रहा है फ्रेश बाजार वॉज फाउंडेड इन टू थाउजेंड फोर्टीन एज अ फ्रेश बाजार मार्ट ठीक है अब ये सब पढ़ना हो ना फ्रेश बाजार वगैरह तो कई सारा रिलेटेड केस स्टडीज है जैसे ग्रोफर्स नाम सुने क्या हाँ बिग बास्केट ये कैसे चलता है थोड़ा इसके ऊपर वो गूगल करके पढ़ो ओके ग्रोफर्स बिग बास्केट ये कैसे चलता है अगर आप गूगल करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे हो क्या रहा है ओके ग्रोफर्स अपने एड में दिखाता है कई बार कि वो डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट करता है इसलिए आपको सस्ता दे पाता है हर समय वहां डिस्काउंट है वो ऐसा बोलता है ना सब समय मेरे यहां पे आ जाओ डिस्काउंट ले जाओ फ्रेश बाजार वॉज फाउंडेड इन फोर्टीन एज फ्रेश बाजार मार्ट इट प्रोवाइड्स अमेजिंग प्लेस फॉर फ्रेश ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आफ्टर लॉन्चिंग इट्स ऑपरेशन इन नवंबर फोर्टीन इट ग्री टू अबाउट वन फिफ्टी स्टोर विद इन थ्री ईयर्स, मेजरली इन मेट्रो सिटीज बट सून इट फाउंड दट इट डिड नॉट हैव द सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट द एक्सपेंशन Fruits and vegetables, as a category of competitive market types, which offers these products very low margin, while the rental costs and other overheads are very high. Also, staff attrition, poor location, supply chain issues, and infrastructure problems prompted it to shut nearly 45 stores within two years of the launch. Since then, the company has standardized its operation and increased centralization of its supply chain. सेंट्रलाइजेशन से फायदा क्या होता है आपको बताया था मैंने कभी कि आप अगर सेंट्रलाइज परचेज करते हैं सेंट्रलाइज वेयर हाउस मेंटेन करते हैं तो कंट्रोल आपके पास और दूसरा बल्क में अब डेढ़ सौ स्टोर में से 45 बन तो सौ स्टोर है एक सौ स्टोर है उसका जो रिक्वायरमेंट है वो आप सेंट्रलाइज परचेज़ करेंगे तो बल्क परचेजिंग हो पाएगा बल्क में डिस्काउंट नेगोशिएट कर सकते हो आप ठीक है वॉलमार्ट वगैरह का मैंने समझाया था ना ऐसे ही लोग परचेज कर लेते हैं पूरा वर्ल्ड वाइड स्टोर का या कंट्री का पूरा स्टोर का एक साथ परचेज होगा इतना वॉल्यूम परचेज होगा कि पूरा पूरा फैक्ट्री का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि महीना महीना का प्रोडक्शन मेरा बोलो क्या रेट लगाओगे तो फिर इतना कम रेट पे उनके पास आ जाता है कि वो उसका बेनिफिट कस्टमर तक पास ऑन कर पाते हैं ठीक है दो दे प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ फ्रेश ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अंडर वन रूफ Instead, in local mandis, people have to go from one place to another to buy different fruits and vegetables. Still, they are unable to compete with local vendors. It also faces huge opposition from politically powerful small vendors, farmers and middlemen. Fresh Bazaar had major hurdles in 2016 when it chased out state Uttar Pradesh, Jharkhand, India's most populous region, after protests by small vendors, farmers and intermediaries. Mr. Kailash, manager of Fresh Bazaar, purchases fruits and vegetables from wholesale mandis. Price of fruit and vegetable fluctuate in wholesale mandis daily basis, which is directly depend which is directly depends on the supply of fruits and vegetables by farmers. So procurement farmers are wholesale mandis In addition, supply also depends on transport facilities, rain, political factors, etc. पॉलिटिकल फैक्टर सप्लाई को कैसे इन्फ्लुएंस करता है ये आपको पता है क्या होर्डिंग हो जाता है फार्मर्स का प्रोड्यूस को लोकल विलेज वाले पॉलिटिकल लोग उसको रोक लेते हैं वहां पर और फिर प्राइस को डिमांड ज़्यादा जब आता है तो प्राइस को बढ़ने देते हैं और फिर उसको छोड़ते हैं किसानों को एक फिक्स दाम दे देते पहले ही तो एक्चुअली जो प्राइस कंज्यूमर पे करता है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का वो प्राइस किसान को नहीं मिलता क्योंकि उसको रियल मार्केट में कनेक्शन नहीं पता होता है वहां तक का उसको जो नेटवर्क है वो उसके पास होता नहीं इसलिए गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया कि किसान लोग को अवेयर किया कि आप ऐसे किसी अपने लोकल किसी को मत बेचो आप हमारे हमेशा एक ऑथराइज मंडी में आके बेचो फार्मर लोग और उसपे आपको हमेशा एक एमएसपी मिलेगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस उस पर आपको हमेशा सेल करना चाहिए एमएसपी हर जगह रेडियो के थ्रू ये लोग बता बता के अवेयर कर रहे हैं बहुत सारा कैंपेन चल रहा है गवर्नमेंट का फार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग रीजन में जाके ये लोग बता रहे हैं हर एक चीज का मिनिमम प्राइस क्या होना चाहिए जिससे कि फार्मर भी अपना खर्चा निकाल पाए ओके बट एनी आगे बढ़िए फ्रेश बाजार सेल्स दीज फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एट द ऑलमोस्ट सेम प्राइस एज ऑफ लोकल वेंडर्स इन लोकल मंडीज देखिए यही एक समस्या हो रहा है इसका सक्सेस नहीं हो पाने का कि ये सेम प्राइस पे तो बेच रहा है ना दो द क्वालिटी ऑफ लोकल वेंडर इज नॉट एज गुड एज फ्रेश बाजार बट लोकल पब्लिक प्रेफर टू बाय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम लोकल वेंडर ऑन रोड साइड्स देयर बिजनेस स्टिल रिक्वायर लॉड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड देर इज नो सिनर्जी टू द एक्टिविटी ऑफ द कंपनी ड्यू टू ऑल दीज रीजन फ्रेश बाजार इज इनकरिंग कंटिन्यूअस लॉसिज फ्रेश बाजार वॉन्ट्स टू एक्सपैंड इन एवरी स्टोर दैट दे सेट अप एंड दैट वुड बी

सो so, पहला पॉइंट आपने जो बोला वो सही है कि आपको ऐसा कुछ करना चाहिए कि आप प्रोक्योरमेंट डायरेक्ट फार्मर से करें ठीक है दूसरा बात जैसे एग्रीकल्चरल बिजनेस में बहुत सारा एक्टिविटीज होता है जैसे फार्मर पहले सीड सोइंग करेगा फिर हार्वेस्ट करेगा या पहले उसके भी पहले लैंड डेवलपमेंट करेगा फिर सीड सोइंग करेगा फिर हार्वेस्ट करेगा फिर हार्वेस्ट uh, करने के बाद भी उसका एक प्रोसेसिंग होता है ठीक है जैसे अपने मान लीजिए वेज वेजिटेबल्स है फॉर एग्जांपल, तो हार्वेस्टेड सीधा अपने पास नहीं आता थोड़ा और उसको साफ सफाई करके हमारे पास लाया जाता है ओके okay, सीधा फार्म से कटा और अपने उसको कंज्यूम करने रेडी नहीं हो पाते फिर प्रोसेस होता है फिर अलग अलग चैनल से होते हुए हो वो कंज्यूमर तक पहुंचता है तो ये बहुत ही इनिशियल स्टेज लेटर स्टेज में जाके प्रोक्योर कर रहा है होलसेल मंडी से तो प्रोक्योरमेंट आपको पहले तो फार्मर से डायरेक्ट करने का कोशिश करना चाहिए और दूसरा ये सारा वैल्यू चेन को समझो अपने बिजनेस का यही चीज हम लोग आपको पढ़ाते हैं उधर कॉस्टिंग इन स्पेसिफिक सेक्टर चैप्टर में एग्रीकल्चरल सेक्टर का वैल्यू चेन होता है तो वैल्यू चेन को अपना ऑर्गेनाइजेशन का समझना है अपना बिजनेस का समझना है बिजनेस मतलब इंडस्ट्री का समझना है और फिर देखना कि कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो और आप किस लेवल पे इनिशियल लेवल पे एंट्री मार सकते हो तो जो ये लोग बड़े स्केल पे चला रहे हैं फॉर एग्जांपल ग्रोफर्स बिग बास्केट तो इनका कहना यही कि हम लोग फार्म प्रोड्यूस उठा लेते हैं फिर फार्मर को असिस्टेंस देते हैं कि कैसे और क्वालिटी आपको जनरेट करना है कैसा फर्टिलाइजर कैसा लैंड डेवलपमेंट कैसा मशीनरीज जैसे आपका काम भी आसान हो तो फार्मर उनका ही हो गया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराते हैं कई बार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब तुम्हारा जो प्रोड्यूस हुआ सब मेरा जितना हुआ सब मेरा दाम अभी फिक्स कर लो या जो एमएसपी होगा उस समय का वो दे देना उस पर दे देना बट सारा मेरा मैं बेच लूंगा तो मेरे चैनल बना लिए मैंने बेचने के अब मेरे को प्रोक्योरमेंट करना है तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कॉन्सेप्ट होता है ठीक है पूरा पूरा कई बार ऐसा भी होता है कि ये लोग अपना खेत खरीद लेते हैं जमीन खरीद लेते हैं और फार्मर को लेबर चार्ज देकर बाकी सारा मशीनरीज वगैरह अपना रखकर खुद से पूरा फार्मिंग करा लेते हैं ऐसा भी बहुत जगह होता है समझ गए तो ये भी आप कर सकते हैं फार्मर को सपोर्ट करिए टू रिड्यूस देयर कॉस्ट एंड टू इंप्रूव क्वालिटी एंड सिंस यू विल बी प्रोक्योरमेंट एट सच इनिशियल लेवल ऑफ योर सप्लाई चेन तो जो प्रोटेस्ट आ रहा था ना लोकल मंडी से आप उनको सप्लाई करिए यू बिकम द होल सेलर वाई यू आर बाइंग फ्रॉम होलसेलर सो दे विल ऑल्सो कोलेबोरेट विथ यू एंड इफ यू वॉन्ट टू रीच डायरेक्टली टू कस्टमर्स इफ यू वांट टू रीच डायरेक्टली टू कस्टमर्स देन देन यू मे हैव टू थिंक ओवर सर्टन न्यू लोकेशन यू मे हैव टू थिंक ऑफ ऑनलाइन डिलीवरी यू मे शट सम ऑनलाइन स्टोर विच विल सेवर ऑपरेशन कॉस्टेंटेड हो गया सजेशन आंसर हो गया इतना ही लिखना इतना बोलना तो फटाफट हो जाता है लिखने में हालत खराब होगा इतना देखो पहला क्या है पहले इनके बारे में इंटरव्यू दे दिया वो क्या होता है लोग क्यों लोकल मंडी में जाते हैं बोलो तो अभी भी बार्गेन कर पाते ना बार्गेन का स्कोप रहता है अभी ऐसे फ्रेश बाजार में बार्गेन का कोई स्कोप नहीं रहता है भले ही चीज अच्छा मिलता है बट हम लोग को लगता है कि बार्गेन नहीं हो रहा जो दाम बोला वही लेना होगा तो इसलिए लोकल मंडी में घूम घूम के प्रेफर अभी भी करते हैं हम लोग ठीक है तो फ्रेश बाजार अपना वैल्यू चेन को स्टडी करे वैल्यू चेन का एक्टिविटी होता है जैसे प्रोडक्शन प्रोसेसिंग मार्केटिंग सब आइसोलेटेड है कभी इंटीग्रेटेड नहीं हुआ इंडिया में तो उसको इंटीग्रेट करके अगर आप पूरा अपना वैल्यू चेन बनाते हैं तो यू विल सेव लॉर्ड ऑफ कॉस्ट देन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज एन अग्रीमेंट बिटवीन बार एंड फार्मर बेस्ड ऑन विच एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बींग कैरिड आउट जिसमें क्वालिटी भी डिस्क्राइब कर दिया जाता है प्राइस भी डिस्क्राइब कर दिया जाता है अग्रिंग टू डिलीवर एट अ फ्यूचर डेट ठीक है तो ये पहला पॉइंट हो गया वैल्यू चेन इंटीग्रेशन दूसरा पॉइंट हो गया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फिर बोल रहा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लेंगे ना तो प्राइस अगर फिक्स कर लिया तो जो प्राइस फ्लक्चुएशन होता था होलसेल मंडी में उससे आप बाहर आ जाएंगे और फार्मर को असिस्ट करिए बाय सप्लाइंग इनपुट असिस्टिंग विद प्रिपरेशन ऑफ लैंड इंफॉर्मेशन अबाउट टेक्नोलॉजीज पावर सप्लाई प्रोवाइडिंग प्रोडक्शन एडवाइस फार्मर को एडवाइस दीजिए जिससे अच्छा क्वालिटी बने फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए इन लोग बोल रहे हैं टारगेट कॉस्टिंग लगाओ टारगेट कॉस्टिंग कैसे होगा यार गजब भी चीज लिख दिया लाइन डिजाइन कॉन्सेप्ट है क्या यहां पर तो टारगेट कॉस्टिंग कुछ भी लिख देते हैं जीजा जी हम जी, मान लेंगे क्या यहाँ पे टू तो रिड्यूस देयर ऑपरेटिंग कॉस्ट उनको क्या करना चाहिए ऑनलाइन सर्विसेज में जाना चाहिए ऑनलाइन स्टोर्स होम डिलीवरी सिस्टम दीजिए एक्स्ट्रा मार्केट अट्रैक्ट करने के लिए लोकल मंडी के वजह-वजह लोग आपके पास आए कॉम्पिटेटिव प्राइस दीजिए आप ग्रोफर का एड में क्या कहता है आपका अपना ऑनलाइन किराना तो कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको अपना टैगलाइन बनाना होगा आप लोकल मंडी के दाम पर तो ये आपको चेक करते रहना होगा लोकल मंडी में क्या दाम चल रहा है उसके इस प्राइस पर आप अपना ऑनलाइन स्टोर में दे सकते हैं क्या तो कॉस्ट सेविंग हो जाएगा फिर एक और बोल रहे कि एक स्मॉल रोड साइड वेंडर्स एग्जिस्ट तो करेगा तो आप उसको भी सप्लाई करिए उनको आप सप्लाई करिए आप होलसेलर बन जाइए ठीक है हो गया खत्म तो ये एक इंटरेस्टिंग था इसका कोई एसच नोट्स नहीं था जी और पहला ही क्वेश्चन है इस चैप्टर का कॉस्टिंग इन स्पेसिफिक सेक्टर का अपना आइडिया से लिखना था एकदम नया क्वेश्चन है